उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस भाजपा को रोकने के लिए सियासी पिसाद 2 साल पहले ही बिछा चुकी है। यूपी की कमान कांग्रेस ने प्रियंका गांधी के हाथों में सौंपी थी और प्रियंका उसे बाखूबी से निभा रही है। आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर कई ऐसी घटनाएं घटी जिसमें प्रियंका गांधी खुद सबसे पहले पीड़ितों के पास पहुंचकर योगी सरकार के सामने बड़ी चुनौती बनी थी। और अब प्रियंका उत्तर प्रदेश की महिलाओं लड़कियों को ध्यान में रखकर एक कार्यक्रम कर रही है। रायबरेली की ये तस्वीरें हैं जहां प्रियंका गांधी लड़कियों से महिलाओं से बातचीत कर रही हैं, फीडबैक ले रही हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने कहा कि रायबरेली के अंदर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की कमान मुझे मिली उसके बाद मैं कई कार्यक्रम में शामिल हुई हूँ, लेकिन रायबरेली के अंदर जो घटनाएं घटी, रायबरेली उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, आज भी कांग्रेस का गढ़ है रायबरेली। आपको बता दें कि उसी गढ़ में प्रियंका गांधी भाजपा सरकार योगी और मोदी की इस जोड़ी को टक्कर दे रही हैं। योगी और मोदी जहां हिंदुत्व चेहरे को लेकर उत्तर प्रदेश में वापसी की राह देख रहे हैं, तो प्रियंका सहित तमाम विपक्षी दल अन्य मुद्दों के माध्यम से उन्हें रोकने की सफल प्लानिंग करने में जुटे हैं। इसी दौरान कभी अखिलेश यादव सड़कों पर होते हैं तो कभी प्रियंका और राहुल। हालांकि उत्तर प्रदेश के अंदर राहुल से ज्यादा प्रियंका एक्टिव है और प्रियंका गांधी ने जिस तरीके से लड़कियों को लेकर यह कार्यक्रम किया और उन्होंने नाम दिया है लड़की हूं लड़ सकती हूं शक्ति संवाद, और इस कार्यक्रम को सीधे तौर पर यूपी का शक्ति संवाद कहा जा रहा है, यानी प्रियंका का वो शक्ति संवाद उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है। और इस बीच प्रियंका गांधी ने कई महिलाओं को अपने मन से मौका दिया कि वो आए और अपनी बातें रखें। नारी होने का जो एहसास है, महिलाओं की जो शक्ति है, इसे खुलकर लोगों के बीच में बताएं और आने वाले चुनाव में इसका असर, इसका दम भाजपा के खिलाफ दिखावें। प्रियंका गांधी जब मंच पर पहुंची तो उनको देखने की नीचे से आवाज आई कि आप दिख नहीं रही हैं। फिर क्या था, प्रियंका गांधी ने कहा कि आप तो मुझे रोज ही देखते हैं, आप पार्टी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन आज बहनों को देखने दीजिए क्योंकि मैं उनको दिख रही हूं। प्रियंका गांधी ने अपने संवाद की जिस तरीके से शुरुआत की वो दिखा रहा है कि प्रियंका उत्तर प्रदेश के अंदर पूरी मजबूत शक्ति के साथ लड़ाई के मैदान में उतरी हुई है, क्योंकि लड़की हूं लड़ सकती हूं जो नारा प्रियंका गांधी ने दिया है उसी नारा के साथ शक्ति प्रदर्शन प्रियंका गांधी ने किया है। सुनिए प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश की इस रायबरेली वाली सभा में क्या कुछ कहा लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए, साथ ही साथ उनके मंच पर जो महिलाएं जो लड़कियां खड़ी थी उन्होंने किस तरीके से अपने मन की जो कसक थी जो भड़ास थी वो निकाला, साथ ही साथ उन्होंने समाज को क्या कुछ मैसेज दिया है। इन तस्वीरों के साथ और प्रियंका गांधी के उस वाणी के साथ हम छोड़े जा रहे हैं। आज से 2 साल पहले मुझे कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया। तब से मैं उत्तर प्रदेश में जगह जगह जा रही हूं, लोगों से मिल रही हूं। 1.5 साल पहले पास में उन्नाव में एक लड़की का बलात्कार हुआ था और उसके बाद उसको जलाया गया था, उसकी हत्या की गई थी। मैं उस लड़की के घर गई। उस लड़की के घर में उसकी भाभी थी और उसके पिताजी। मैं कम से कम 1 घंटे के लिए उस लड़की के घर में बैठी रही। पिताजी कुछ नहीं बोले, चुप थे। उनकी भाभी जी ने मुझे पूरी कहानी बताई कि क्या हुआ, कैसा हुआ, उस लड़की की मृत्यु के बाद किस तरह से परिवार को प्रताड़ित किया गया, उससे पहले किस तरह से उसकी छोटी बेटी को धमकाया गया, उसे धमकाया गया, भाइयों को पीटा गया, उसके पिताजी को पीटा गया। उसके पिताजी ने कुछ नहीं कहा। कुछ समय बाद फूट फूट के रोने लग गए अचानक, और फिर उन्होंने मुझे कहा कि बेटी, मेरी बेटी मेरे बेटों से भी बढ़कर थी, मेरी बेटी के साथ जो भी हुआ वो घबराई नहीं, वो लड़ी। सुबह उठकर मुझे कहती थी कि पापा तुम मेरे साथ मत आओ,
मैं अकेली जाऊंगी। अकेली ट्रेन में रायबरेली आती थी अपने मुकदमे को लड़ने के लिए, क्योंकि उन्नाव में उसका एफआईआर दर्ज भी नहीं हुआ था। उसके बाद कई ऐसे हादसे हुए। हाथरस में एक लड़की का बलात्कार किया गया, आपने कहा। बीच रात में उसके अंतिम संस्कार किए गए। उसके माता पिता ने उसका चेहरा भी नहीं देखा। पुलिस प्रशासन ने उनको उसका चेहरा भी नहीं देखने दिया। कुछ समय पहले मैं ललितपुर गई। ललितपुर में दो किसानों ने आत्महत्या की। वहां मुझे एक किसान की बेटी सविता मिली। सविता को इतना दुख हो रहा था अपने पिता की मृत्यु के बारे में, रो रही थी बहुत जोर से। अभी अभी शादी हुई थी एक महीने पहले। कह रही थी मेरी माँ अकेली पड़ जाएगी, उसका देखभाल कौन करेगा। मेरे मन में आया कि इतना अत्याचार हो रहा है महिलाओं पे। जब एक हादसा होता है परिवार में, जब किसी की मृत्यु होती है, किसान ने आत्महत्या की, अंत में उसका भी बोझ महिला उठा रही है। उसकी विधवा अकेली, उसकी बेटी अकेली है। तो बार बार यही दिखता है जहां जहां मैं जाती हूं कि महिलाओं का अत्याचार हो रहा है। यहां तक कि जब मैं गिरफ्तार हुई, मेरी पुलिस की बहनें हैं यहां, मैं गिरफ्तार हुई सीतापुर में, सुबह के 4 बजे थे। खूब लड़ी मैं, आपने देखा होगा, महिला पुलिस कर्मी मेरे साथ लड़ी, उनका कर्तव्य था, उन्होंने निभाया। 4 बजे मुझे जब जीप में बिठा के दो महिला कर्मी पुलिस कर्मी ले गए गिरफ्तार करके, मेरे पास में बैठी थी, एक का नाम पूजा था, एक का नाम मधु। मेरे मन में आया 4 बजे है, ये यहां सड़क पे खड़ी हैं, अपनी ड्यूटी कर रही हैं, बच्चे घर पे होंगे, घर जाके परिवार भी संभालना पड़ेगा। मैंने बातचीत की थोड़ी उनसे, उनका भी शोषण हो रहा है, क्योंकि वो जिस तरह से काम कर रही हैं, कितने घंटे काम कर रही हैं, उसके बाद उनको घर भी जाना पड़ता है, घर को संभालना पड़ता है, जितना वेतन उनको मिलता है वो क्या काफी है। तो हर तरफ जहां जहां देखो महिला का शोषण हो रहा है, जो उसका अधिकार है, उसका हक है, उसको नहीं मिल रहा है। मेरे मन में आया कि महिलाओं के लिए कुछ करना है, और सबसे बड़ी चीज क्या कर सकते हैं हम आपके लिए, कि आपको समझा सकते हैं कि आप अपनी शक्ति को पहचानो। हमने ये शक्ति विधान बनाया, महिलाओं के लिए घोषणा पत्र है, इसमें तमाम घोषणाएं हैं जो हम आपके लिए हम कार्यक्रम करना चाहते हैं, जो चीजें हम आपको सशक्त करने के लिए करना चाहते हैं। अब देखिए, परिवर्तन लाना है तो हम सबको एकजुट होकर लाना पड़ेगा। हमें समझना पड़ेगा कि हम इस देश की आधी आबादी हैं। इसका क्या मतलब है? कोई हमें राजनीति में सीरियसली ले क्यों नहीं रहा है? मेरे से यूपी में जो भी मिलने आता है, चाहे आशा बहुएं हो, चाहे आंगनवाड़ी की महिलाएं हो, चाहे कोई भी वर्ग के, कोई समाज के कोई लीडर हो, सब आके मुझे कहते हैं कि हम 2-3 लाख लोग हैं, या हम 5 लाख लोग हैं, आप हमारे लिए कुछ काम करेंगे तो हम आपके लिए वोट देंगे। तो आप बताइए, अगर सारी महिलाएं एकजुट हो जाएं और उन्होंने तय कर लिया कि हम इस देश की राजनीति बदलेंगे, कि ये जो राजनीति हो रही है हमारे सामने ना, तो चुनाव के सामने बड़े बड़े नेता आके तमाम घोषणाएं कर लेते हैं, चुनाव के बाद भूल जाते हैं। ये राजनीति जहां हमें चुनावी मंचों से ये सिखाया जाता है, सांप्रदायिकता सिखाई जाती है, जातिवाद सिखाया जाता है, ये राजनीति हमें बंद करनी है। हमें चाहिए अपने भविष्य की राजनीति, हमें चाहिए विकास की राजनीति,
हम जानना चाहते हैं हमें तुम मजबूत कैसे बनाओगे, हमारे लिए क्या करोगे। अगर इस देश की सारी महिलाएं एकजुट होकर एक आवाज उठाएं कि हमें ऐसी राजनीति दो, नहीं तो हम तुम्हें वोट नहीं देंगे, तो बताओ, आप बताओ, कैसे नहीं बदलेगी इस देश की राजनीति। आप देखिए, हमने एक पहल की है, हमने कहा महिलाएं अपनी शक्ति पहचानो, एकजुट हो जाओ। एक नारा दिया आपको, लड़की हूं लड़ सकती हूं, ठीक है। एक घोषणा पत्र निकाला जिसमें सिर्फ महिलाओं के लिए हम क्या करना चाहते हैं वो लिखा। क्या हुआ, बाकी पार्टियों ने घोषणा शुरू कर दी। आपका आशा बहुओं का मानदेय बढ़ाया गया है कल परसों, अभी तक तो 5 सालों में नहीं किया था, अब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अब पहचान रहे हैं कि ये महिला जागरूक हो गई है, महिलाएं समझ रही हैं कि उनमें शक्ति है। परसों प्रधानमंत्री जी ऐसी पहली सभा करने जा रहे हैं जिसमें उन्होंने सिर्फ महिलाओं को बुलाया है। मैं तो बहुत खुश हूं। सारी पार्टियां अब महिलाओं के बारे में बात कर रही हैं, सारी पार्टियां कह रही हैं कि अरे अगर हमने महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया तो ये तो हमें वोट ही नहीं देंगी। तो समझ रही हैं आप, एक छोटी सी पहल से अभी तो परिवर्तन आया ही नहीं है, लेकिन इस छोटी सी पहल से जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं सब उठ गई हैं, जाग गई हैं, सब कह रही हैं कि महिलाओं के लिए कुछ तो घोषणा करनी पड़ेगी, हमें छोटी छोटी घोषणाएं कर रही हैं। लेकिन एक मानसिकता होती है, आप सबने कहा, आपने कहा कि आप अगर इस मंच पे खड़ी हैं तो आपकी माता आपके लिए, आपकी माँ आपके लिए लड़ी, संघर्ष किया। कल मैं अमेठी में थी, मंच पे एक मेरी पुरानी सहेली आई, रमा कांती को मैं 15 सालों से जानती हूँ। 15 साल पहले जब मेरे से पहली बार मिली, स्वयं सेवक समूह में वो शामिल हुई थी, उसने मुझे अपनी कहानी बताई। माँ बाप ने उसे पढ़ाया नहीं 6 क्लास से आगे, उसकी बेटी हुई, बहुत इच्छा थी कि बेटी को पढ़ाऊं, लेकिन क्या करें, परिवार वाले सहमत नहीं थे। तो जब सब खेतों में काम करने के लिए चले जाते थे तो रमाकांती साड़ी के फॉल को सीती थी, और चुपचाप से जब कोई घर पे नहीं था तो जाकर एक दुकान में जहां पे साड़ी के फॉल बिकते थे वहां जाके वो बेचती थी। फिर जब पैसे इकट्ठे हो गए उसने सोचा मैं अपनी बेटी को पढ़ाऊंगी, तो चुपचाप से बेटी को स्कूल तब भेजना शुरू किया जब किसी को पता न चले कि बिटिया स्कूल जा रही है, और पहले ही वापस ले आती थी। पकड़ी गई, सबने डांटा, ससुर जी सासू जी ने डांटा कि ऐसे कैसे इसको तुम स्कूल भेज रही हो। तो रमाकांती ने कहा, उनसे एक सौदा किया कि मुझे इसको भेजने दो, इसकी पढ़ाई की फीस मैं भरूंगी। तो सब मान गए। तो रमाकांती जब मेरे से कल मिली, उसकी बेटी उसके साथ थी, कॉलेज पास कर लिया उसने, नौकरी ढूंढ रही है। तो माँ संघर्ष करती है किस लिए, वो क्यों चाहती है कि अपनी उसकी बेटी अपने पैरों पे खड़ी हो, क्योंकि वो अपना संघर्ष अपनी बेटी को नहीं देना चाहती। वो ये नहीं चाहती कि उसकी बेटी का जीवन पूरा जीवन संघर्ष में बीते। आपको कितनी बार कहा गया है, आप बताओ मुझे, कितनी बार आपको कहा गया है कि आप महिला हो, बेटी महिला हो, तुम में सहने की शक्ति है, सह लो। बताओ किस किस को बताया गया है, हाथ उठाओ, किस किस ने सुना है, ये सबने सुना है ना। आज यहां खड़े होके मैं कह रही हूं, आपको भगवान ने अपने पैरों पर खड़े होने की शक्ति दी है, उस शक्ति को पहचानो। सबसे बड़ी शक्ति क्या होती है लोकतंत्र में, वोट होता है, आप सबके पास है, सोच समझ के इस वोट को दो। आज से यह तय कर लो कि जो महिला को सशक्त करने का काम नहीं करेगा उसको वोट नहीं मिलेगा। तंत्र मंत्र के बादशाह भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी, इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से
आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम हो का सिर्फ यहां। ग्रह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996।